हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट करी थी अपनी सीपीसी और आज हम अपने सीपीसी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी सीपीसी की शुरुआत ही करी है तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी हमने पीछे डिग्री पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे डिग्री होल्डर एंड जजमेंट डेप्टर और फॉरेन जजमेंट मेंस प्रॉफिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिग्री होल्डर कौन होता है? इन हुज फेवर डिग्री इज़ पास्ड इस डिग्री होल्डर, तो जिसके फेवर में डिग्री पास की जाएगी वो डिग्री होल्डर होगा। डिग्री होल्डर कौन हो सकता है? एनी पर्सन इन हुज फेवर आ डिग्री इज़ मेड, तो कोई भी पर्सन जिसके फेवर में डिग्री मेड हुई हो, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 3 में दिया गया है। और जजमेंट डेप्टर जो है सेक्शन 2 क्लॉज 10 में दिया गया, अगेंस्ट हुम एनी ऑर्डर केपेबल टू बी एग्जीक्यूटेड इज़ मेड, वो जजमेंट डेप्टर होगा। इसमें हम एक केस पढ़ते हैं धनीराम वर्सेस लाला श्रीराम AIR 1980, जिसमें हमें बताया गया था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली प्लेंटिफ शैल बी डिग्री होल्डर, तो प्लेंटिफ ही डिग्री होल्डर नहीं हो सकता है। डिग्री होल्डर में भी एनी पर्सन, बिकॉज इन डेफिनेशन ऑफ डिग्री होल्डर द वर्ड पर्सन हैज़ नॉट बीन यूज, नॉट प्लेंटिव विच मीन्स टू बी डिग्री होल्डर, इट नॉट नेसेसरी दैट इन ऑल केसेस प्लेंटिव शुड बी डिग्री होल्डर। तो इसमें बताया गया है कि डिग्री होल्डर कोई भी पर्सन हो सकता है और डेफिनेशन में हमें दिया गया है कि पर्सन दिया गया है, आ पर्सन दिया गया है हमें, कोई इसमें प्लेंटिव या फिर डिफेंडेंट नहीं बताया गया है। तो प्लेंटिव भी डिग्री होल्डर हो सकता है और डिफेंडेंट भी डिग्री होल्डर हो सकता है। देन दी वर्ड डिफेंडेंट में ऑल्सो इंक्लूड एनी पर्सन मीन्स डिफेंडेंट मे बी डिग्री होल्डर ऑफ आ डिग्री हैज़ बीन पास्ड इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट, अगर डिफेंडेंट के फेवर में पास्ड की गई है कोई डिग्री तो डिफेंडेंट भी डिग्री होल्डर हो सकता है, और प्लेंटिफ के अगर फेवर में पास की गई है तो प्लेंटिफ भी डिग्री होल्डर हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं फॉरन जजमेंट, जो कि है सेक्शन 2 क्लॉज 6 में, आ जजमेंट पास्ड बाय अ फॉरन कोर्ट, तो कोई भी जजमेंट एक फॉरन कोर्ट द्वारा जब पास किया जाएगा उसे फॉरेन जजमेंट माने जाएंगे, जो कि इंडिया के टेरिटरी में नहीं होना चाहिए। अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड इज नॉट एस्टेब्लिश बाय एन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो कि एक कोर्ट हो जो कि आउटसाइड इंडिया हो और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर द्वारा एस्टेब्लिश ना की गई हो तो वो फॉरेन कोर्ट मानी जाएगी। अब हम आते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव में, सेक्शन 211 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है, हु रिप्रेजेंट दी प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड पर्सन, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? जो हु रिप्रेजेंट दी प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड पर्सन, तो जो रिप्रेजेंट करे डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को, हु इंटरमीडल्स इन टू दी प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड, जो कि इंटरमीडल करे प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज को, हु मे सू और बी सूड ऑन बिहाफ ऑफ डिसीज, तो जो कि स्यू कर सकता है और उसके खिलाफ वाद आ सकता है, फिर वो स्यूड भी हो सकता है, जो कि डिसी ऑन द बिहाफ ऑफ डिसीज, जो कि डिसीज के बिहाफ पे, इन हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 29 में दिया गया है। एक केस है इसका शोभा रानी वर्सेज 4th ADJ फैज़ाबाद 2000 Volume 2 AWC। अगर वाइफ को नॉमिनेट बनाया गया है तो वाइफ जो भी वॉइड मैरिज से है हित प्राप्त होता है। अगर वाइफ को मान लीजिए आपने नॉमिनी बनाया है तो आपको पहले इन तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन देखनी पड़ेगी, और अगर जो पर्सन है जिसने नॉमिनी बनाया वो सेकंड मैरिज कर लेता है, वॉइड मैरिज कर लेता है, तो फिर जो दूसरी वाली वाइफ है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव मानी जाएगी। अब हम एक केस पढ़ते हैं वैकुंठ नाथ दास थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस 7th ADJ गोरखपुर AIR 2004 अलाहाबाद फॉर होल्डिंग अ पर्सन विद इन सेक्शन 211, तो कोई भी इट इज़ नेसेसरी दैट सच अ पर्सन इंटरमीडल्स विद प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज, इट मे बी इवन विदाउट लीगल अथॉरिटी बट पर्सन मस्ट बी प्रोफेसिंग और एक्चुअल इनटू इन मिडलिंग विद प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज। तो इसमें बताया गया है वैकुंठ नाथ दास केस में के जो डिसीज्ड की प्रॉपर्टी में इंटरमीडल्स करे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, और उसके पास कोई अथॉरिटी होनी चाहिए उस डिसीज की प्रॉपर्टी में इंटरमीडल करने की, कि उसको या फिर उसको कोई अपना कागज़ दिखाने पड़ेंगे, उसे बताना पड़ेगा, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं इस प्रॉपर्टी का हकदार हूँ। अब हम आते हैं मेंस प्रॉफिट पे, जो कि सेक्शन 212 में दिया गया है। इसमें बताया गया है रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी,
मेंस प्रॉफिट का मेन जो है उसमें होना चाहिए पहले रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और फिर इसके आगे आना चाहिए दैट प्रॉफिट प्रॉफिट विच बी रिसीव्ड एक्चुअली, तो कोई प्रॉफिट जो कि एक्चुअली रिसीव किया गया हो, और इफ़ ही डज नॉट गेट एनी एक्चुअल प्रॉफिट देन द प्रॉफिट विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पर्सन ऑफ प्रूडेंट माइंड, और अगर वो कोई इलीगल रॉन्गफुल पोजेशन से कोई प्रॉफिट नहीं एक्चुअल प्रॉफिट नहीं ले पाता है तो कोई जो प्रॉफिट होगा जो कि प्रूडेंट माइंड द्वारा उस ज़मीन से कोई प्रॉफिट आएगा तो वो उस प्रॉफिट को ले सकता है, और इसमें इंटरेस्ट 6% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मेंस प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही लिया जा सकता है। इसका एक केस है लक्की वर्सेस मरियप्पा AIR 1979। मेंस प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेंड ओनली फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लक्की वर्सेज मरियप्पा में बताया गया था कि मेंस प्रॉफिट जो है तभी लिया जा सकता है जब कोई पर्सन रॉन्गफुल पोजेशन में हो, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के। अब इसमें जो नेक्स्ट केस है ये सेक्शन 34 से भी रिलेटेड है, जिसमें इंटरेस्ट बताया गया है महंत नारायण दास वर्सेस तिरुपति देव स्थानम AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। इंटरेस्ट ऑन मेंस प्रॉफिट शेल नॉट बी मोर देन 6%। इसमें बताया गया है कि जो इंटरेस्ट होगा मेंस प्रॉफिट पे वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट शेल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय पर्सन ऑफ रॉन्गफुल पोजेशन। और अगर कोई वो रॉन्ग इम्प्रूवमेंट करता है उस प्रॉपर्टी में तो वो फिर इम्प्रूवमेंट को क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट को जोड़ा नहीं जाएगा, और इम्प्रूवमेंट को हटा के जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट जो है पर्सन को दिया जाएगा। ये डिक्री से रिलेटेड केस था रतन सिंह वर्सेस विजय सिंह AIR 2001। इसमें बताया गया था कि एसेंशियल्स ऑफ डिक्री क्या होते हैं। इन ऑर्डर दैट अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट शुड बिकम अ डिक्री देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन ऑफ द सूट। एडजुडिकेशन ऑफ द सूट होना चाहिए। अगर आपने मेरी डिक्री की वीडियो नहीं देखे तो आप मेरी डिक्री की वीडियो देखें, मैंने उसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था एसेंशियल्स, जिसमें मैं आपको एक रैप अप करके बता देता हूँ। सच एडजुडिकेशन, अब एक पहला जो एसेंशियल है वो एडजुडिकेशन होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल है सच एडजुडिकेशन मस्ट बी डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी। तो राइट्स ऑफ द पार्टी बताए हैं वो विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ द सूट, और कोई भी मैटर हो इन कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ द सूट के बारे में वो राइट्स ऑफ द पार्टीज बताएं। सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर। तो जो कोर्ट जो डिटर्मिनेशन करेगी तो वो कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। इफ़ दोज पैरामीटर आर टू बी अप्लाइड देन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले विल नॉट अमाउंट अ डिक्री, कॉन्सिक्वेंटली डिसमिसल फॉर अपील एज टाइम बैरिड इज ऑल्सो नॉट अ डिक्री। अब हम आते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स में मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सिविल, फिर क्रिमिनल कोर्ट, फिर GSCC, मैंने पूरी बताई थी। आज हम इसमें केस पढ़ेंगे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस शर्मा राव 2007 सुप्रीम कोर्ट। दिस सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ CPC इज फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल एक्ट। तो जो इसमें बताया गया है, इस केस में बताया गया है कि जो सेक्शन 3 के अंदर स्पेसिफाई किया गया है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट वो इसी कोड के लिए है, किसी और स्पेशल एक्ट के लिए नहीं है। ऑल्दो द प्रोविजन मे बी एप्लीकेबल टू इवन सच स्पेशल कोर्ट्स, और मगर जो प्रोविजन है CPC के वो कुछ स्पेशल कोर्ट्स पे लागू होते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 4 में, प्रोवाइड्स सेक्शन 4 पढ़ते हैं। अब हम प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फॉर स्पेशल कोर्ट और स्पेशल प्रोसीजर फॉर एनी स्पेशल लॉ। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 4 के ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स को स्पेशल प्रोसीजर और एनी स्पेशल लॉ से। दे शैल हैव दी ओवरराइडिंग इफेक्ट रिगार्डिंग द स्पेशल ज्यूरिडिक्शन एनी स्पेशल ट्रिब्यूनल और फॉरम। तो इसके पास एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है सेक्शन 4 के पास रिगार्डिंग द स्पेशल ज्यूरिडिक्शन टू एनी स्पेशल ट्रिब्यूनल और फॉरम। तो स्पेशल ज्यूरिडिक्शन है रिगार्डिंग स्पेशल ज्यूरिडिक्शन टू एनी स्पेशल ट्रिब्यूनल और फॉरम। तो इसके पास एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है जो कि स्पेशल ज्यूरिडिक्शन, वो भी जो कि स्पेशल ट्रिब्यूनल और फॉरम को उनकी ज्यूरिडिक्शन बताती है। सच स्पेशल लॉ इंक्लूडिंग लोकल लॉ शैल ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 4 ऑफ CPC। और जो भी स्पेशल लॉ हैं इंक्लूडिंग लोकल लॉ और लोकल लॉ भी प्रोटेक्टेड है सेक्शन 4 के द्वारा। इन दो सर्कमस्टेंसेस CPC डज नॉट हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड इन अंडर सच प्रोवाइडेड इन सच स्पेशल एक्ट। तो CPC के पास
स्पेशल एक्ट्स के अंदर ओवरराइडिंग इफेक्ट हैगा। अब हम आते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 हम पढ़ेंगे जिसमें जो कि रिलेटेड है सेक्शन 341 ऑफ यूपी ZA एंड सेक्शन 214 ऑफ यूपी रिवेन्यू कोड 2006 स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट द प्रोविजन ऑफ CPC शैल अप्लाई टू द रिवेन्यू कोड्स। तो इसमें बताया गया है इन दोनों सेक्शन में कि जो CPC के प्रोविजन है वो रिवेन्यू कोड पे भी लागू होते हैं एंड एज पर सेक्शन 5 ऑफ CPC स्पेसिफाइड दैट देयर इज प्री कंडीशन इफ एनी स्पेशल लॉ एप्लीकेबल टू रिवेन्यू कोड हैज नो स्पेसिफिक प्रोविजन और इट्स साइलेंट देन प्रोविजन ऑफ CPC शैल अप्लाई। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई रिवेन्यू कोड के द्वारा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया और उसके बारे में कोई साइलेंट प्रोविजन है तो CPC लागू होगी उस रिवेन्यू कोड पे। तो रिवेन्यू कोड कहाँ डिफाइन है CPC में, सेक्शन 5(2) में। अब डेफिनेशन ऑफ रिवेन्यू कोड पढ़ते हैं। सेक्शन 5(2) ऑफ क्लॉज 2 ऑफ CPC, रिवेन्यू कोड मीन्स अ कोर्ट हैविंग द ज्यूरिडिक्शन टू एंटरटेन टू और टू डिटरमिन एनी प्रोसीडिंग रिलेटिंग रेंट रिवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो जो भी रेंट रिवेन्यू एंड प्रॉफिट की प्रोसीडिंग से रिलेट करती है वो रिवेन्यू कोर्ट मानी गई हैं। इन रेस्पेक्ट टू लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़ एज पर लोकल लॉ हैं सेक्शन 5 ऑफ CPC इज़ एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल टू सच रिवेन्यू कोड विद ज्यूरिडिक्शन टू डिटरमाइन द सूट और प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू रेंट रिवेन्यू और प्रॉफिट और एग्रीकल्चर लैंड सच रेंट रिवेन्यू शैल बी गवर्न बाय लोकल लॉ। तो इसमें बताया गया है कि जो भी लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की गई है उसके ऊपर भी रिवेन्यू कोड लागू होती है जो कि सेक्शन 5 में एक्सक्लूसिवली बताई गई है। टू सच रिवेन्यू कोड विद ज्यूरिडिक्शन टू डिटरमाइन द सूट, और इन रिवेन्यू कोड के पास ज्यूरिडिक्शन है टू डिटरमाइन द सूट और डिटरमाइन द सूट सूट को डिटरमाइन करने के लिए रिलेटिंग टू रेंट रिवेन्यू और प्रॉफिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड से जो भी रेंट रिवेन्यू और प्रॉफिट आता है उसके सूट को डिटरमाइन जो भी करता है वो रिवेन्यू कोर्ट मानी गई है। बट एज पर कंडीशन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 5 ऑफ CPC इफ देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग पर्टिकुलर पर्पस रिगार्डिंग सच लोकल लॉ देन सच रिवेन्यू कोर्ट भी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ CPC। और इसमें बताया गया सेक्शन 5 में कि अगर मान लीजिए कोई रिवेन्यू कोर्ट के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है तो रिवेन्यू कोर्ट के लिए कोई लोकल लॉ में प्रोविजन नहीं दिया गया है तो जो रिवेन्यू कोर्ट है वो गवर्न की जाएगी CPC के सेक्शन 5 द्वारा। CPC डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर लैंड अनलेस द लोकल और लैंड लॉ इज साइलेंट। तो CPC में बताया गया कि CPC जो है किसी भी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लागू नहीं होती है जब तक कि लोकल लॉ और लैंड लॉ साइलेंट नहीं होते हैं। और अब हम आगे पढ़ेंगे टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।